मस्त धूप खिली हुई है और ये पीछे का नजारा देखिए, बारिश आने के आसार है। अभी मैं बोल ही रहा था कि अच्छी खासी धूप आई हुई है, लेकिन देखिए यहाँ से बारिश शुरू हो गई है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ये ऐसे बारिश आती हुई देखने में बड़ा मजा आता है। और बारिश ने पहाड़ों को गायब कर दिया है, देखिए ये गायब हो गए, यहाँ के पहाड़ गायब, ये सामने वाला ही दिख रहा है। वाह, ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब से हम लोग यहाँ रहने आए हैं ना, यहाँ से जितनी बारिश मैंने देखी है, मुझे नहीं लगता मैंने पूरे बचपन से इतनी बारिश देखी होगी, क्योंकि नज़र वहाँ दूर तक जाती है तो पूरे एरिया में जितनी भी बारिश हो रही है वो सब दिखाई देती है। हाँ देखा, ये पहाड़ भी गायब हो गए, नहीं है जादू। जितनी तेजी के साथ बारिश आई थी उतनी ही तेजी के साथ वापस भी चली गई। अभी उस इलाके में यहाँ पे पहाड़ दिखने लगे। अभी गोवा में आज सुबह से ही मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, कभी तेज बारिश हो रही है, 5 मिनट में धूप खिल रही है, कभी तेज हवा चल रही है। अभी 5 मिनट पहले तेज धूप आई थी, मुझे चिया को लाने भी जाना है और अभी ये बारिश शुरू हुई है। टेरेस पे जो काई जमी हुई है वो सब नीचे गिरती है, ये देखिए ये सब गंदा हो गया। मैंने बहुत सारा पार्ट झाड़ू से क्लीन किया था, फिर भी ये कुछ बची कुची काई नीचे आती है हवा के साथ। अभी तो बारिश थम गई है लेकिन थोड़ी थोड़ी बूंदे गिर रही है। मुझे रेनकोट पहनना पड़ा और अभी जिया को स्कूल से लेके आते। स्कूल के पास पहुंच गया हूँ, सिटी में मेरे कुछ काम थे वो जल्दी से कंप्लीट हो गए तो इसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। घर से निकला था तब रेनकोट पहनने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश नहीं है। गणेश चतुर्थी का सीज़न है तो अभी हम लोग जाते वक्त गणेश मूर्ति जहाँ बनाते हैं वो देख के चले जाएंगे। जिया को बड़ा पसंद है वो देखना। मुझे भी रेनकोट पहनना पड़ेगा, बारिश शुरू हो रही है। हर साल गणेश चतुर्थी से पहले मैं जिया को जहाँ पे गणेश मूर्तियाँ बनती है वहाँ पे लेके जाता हूँ। उसको भी ये गणेश मूर्ति बनते वक्त देखने के लिए बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज हम लोग आए हैं नागेशी गांव में। गणेश मूर्तियों पे पेंटिंग का काम चालू था, देख के बहुत ही अच्छा लगा, और कुछ मूर्तियों पे काम भी चालू था, वो सब हमको देखने के लिए मिला, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी मूर्तियां बनके तैयार थी। पेंटिंग करना जितना आसान दिखता है उतना ही मेहनत वाला काम है, और ये लोग ही बहुत मेहनत लेके ये पेंटिंग करते हैं।